There are things which we read, we learn, and there are things which we discover. I am a discoverer. I do not believe in what people are preaching or teaching till I experience it. Like, I have discovered that my soul has traveled different time zone. It has gone ahead many light years and it's come back to me. That's why I get premonitions. Mere father bachpan mein bolte the ki tumhari zaban par sach hai. Whatever you say will happen. I did not bother then, but now I feel मैं कभी किसी को कुछ बोलता हूँ हो जाता है. A lot of things I get glimpses, like you know, before it happens I get glimpses कि ऐसा होने वाला है. How? Because I have discovered a huge universe within me. We are actually having a huge big treasure of universe which is ready to bless us, but we are not bothered about it. जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मंत्र, श्लोक और बीज मंत्र में क्या होता है, श्लोक मंत्र और बीज मंत्र में क्या फर्क होता है. A lot of people do not have any idea. Many have not even heard बीज मंत्र because we have been learning all the histories and knowledge about intruders, but not the सनातन धर्म, not the India, not the महाभारत वर्ष. हमें मालूम ही नहीं कि आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने चार धाम की स्थापना क्यों की है. Why four धाम्स? विष्णु जी के अवतारों के ऊपर बने हुए चार धाम क्यों स्थापित किए गए हैं. खैर, what I am trying to explain is that tap that treasure, the universe within, and become rich inner. आपकी inner strength बढ़नी चाहिए, आपकी aura strong होनी चाहिए, which will make you more happy and successful. A lot of people are measuring success with the materialistic world की हमारे पास car है, bungalow है, अच्छी bivi है, friends हैं, दारू पीने के लिए है. No. You have not discovered yourself. That is why I personally do not believe in following one guru, because they bracket you and you try to justify that guru and his teachings whole life. I am not declining their knowledge, but I do not want to be restricted in knowledge or for discoveries. I have discovered that my soul has traveled. Prakash Varsh bolte hai na, jo surya ki kiran jo kai prakash varsh travel karke earth par aati hai. मैंने लास्ट एपिसोड बनाया भी था कि व्हेन द सन रेज पेनिट्रेट द अपर लेयर ऑफ अर्थ इट क्रिएट्स अ गोंग साउंड व्हिच इज ओम व्हिच इज एन ऑनगोइंग साउंड. डिस्कवरीज आर इम्पॉर्टेंट. लाइक मेनी साइंटिस्ट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट ज्ञान और विज्ञान हमेशा साथ चलता है, रिलीजन एंड साइंस. सो हैव यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ? हैव यू डिस्कवर्ड द ट्रेजर? हैव यू डिस्कवर्ड द यूनिवर्स विद इन? नो, यू हैव नॉट. यू हैव नो आइडिया व्हाई दीज लैंग्वेजेस, संस्कृत क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ओरिजिनेटेड. नेचर के साउंड से, पानी के साउंड से, हवा के साउंड से, पेड़ के साउंड से, दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल. पांच छह बड़ी चीजें हमारे शरीर में अपने आप होती हैं. वी आर ब्रीदिंग ऑन आर ओन. यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू ब्रीद. हार्ट इज पंपिंग ऑन इट्स ओन. योर आईज आर वॉचिंग ऑन इट्स ओन. यू आर स्पीकिंग. योर माउथ, योर ईयर, एवरीथिंग इज सो वेल डिजाइंड. अगर मुंह के नीचे नाक होती तो हम खाना खाते तो सारा खाना नीचे गिरता. आंख और नीचे होती तो उसके ऊपर खाना जाता. हाउ वेल डिजाइन द फेसेस. कैसे सराउंड के हिसाब से हमारे कान बनाए गए हैं, कैसे हमारे शोल्डर बनाए गए हैं, कैसे हमारे आर्म्स बनाए हुए हैं. यू हैव टू डिस्कवर दैट हाउ यू हैव बीन फॉर्म्ड, व्हाट इज योर पर्पस, एंड यू आर चेजिंग अ राइट ड्रीम और रॉन्ग ड्रीम. आंट यू अनअवेयर ऑफ योर ओन एलिमेंट्स? यू हैव नो आइडिया व्हाई यू लाइक ग्रीन, व्हाई यू लाइक ब्लू, व्हाई यू लाइक व्हाइट, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर. यू हैव नॉट टैप्ड द ट्रेजर. Why? What is the value of ब्रह्म मुहूर्त जो 3:14 से 5:14 तक होता है? Means sunrise के 2 घंटे के ठीक पहले का टाइम. Now sunrise happens in different zone in different time. जो ईस्ट में सनराइज पहले हो जाता है ना. हमारे यहाँ मुंबई में वो सनराइज बहुत लेट होता है, 7:23 पे होता है, 7 AM 23, और वहाँ बहुत जल्दी होता है ना, करीब 6 से 6:15 के आसपास हो जाता है. So you have to first understand that you have to tap the universe within. आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है. ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रैक्टिस कीजिए. स्टार्ट वेकिंग अप बिटवीन 3 to 5. इवन इफ यू वेक अप अराउंड 4 o'clock और 4:30, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नाउ चांटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कनेक्ट्स यू फ्रॉम योर एनर्जी विद इन एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट इज वाई द होल वेद, पुराण, उपनिषद, सूक्तियां हैव बीन फॉर्म्ड. दीज आर actual good things which you need to learn, speak, chant to cleanse yourself, to open your mind, to open to another world and discover yourself and discover the treasure within you. So the difference between shlok, mantra and bij mantra is, shlok is
when we write or say things in praise of deity, God, Devi, Devta, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये श्लोक हो गया। मंत्र वेद और पुराण की ऋचाओं से, जो ऋषि मुनियों ने लिखा है उसकी ऋचाओं से, उसके फ्रेजेस से फॉर्म हुआ है। सो मंत्र हैज बीन पिक्ड और फॉर्म्ड टेकन फ्रॉम वेद पुराण एंड सूक्तियां। ओम गं गणपतये नमः। नाउ व्हाट इज बीज मंत्र? इन दिस ओम गं गणपतये नमः गं इज बीज मंत्र। बीज मंत्र हैज नॉट बीन रिटन, इट हैज बीन डिस्कवर्ड। दैट इज व्हाई आई हैव चोजन द वर्ड डिस्कवर। Discover means the universe itself, in connect with nature, it has created those words which Rishi Muni or our ancestors have picked and gifted it to us. Now, Bij Mantra are like Kreen, Kling, Kleem, Hom, Hum, Gang, Glom. So, these Bij Mantra are very, very popular, very powerful. Do not practice it without proper guidance. Even mantra, do not practice it just random. You have to first take your name, your gotra name, sit in a place, proper place. Indra Bhagwan ka ahvan karna zaruri, because Indra Bhagwan's duty is to disturb your puja. Why he disturbs your puja? Because Ravan was very erudite and he was very knowledgeable, pandit, brahmin. But he started misusing these powers. So any human can go wrong, ahankar aa jata unke andar, ahem aa jata, so they start misusing it. So Indra Bhagwan tries to disturb you, suddenly you will sit and suddenly you feel like scratching here, the scratching feeling will happen here, suddenly you will remember the, oh I have to call that person, aray cooker ki CD bajne wali hai. So Indra Bhagwan is sending you those vibrations to distract you from the puja so that aap us beej mantra ko siddh na kar paayen. But if you sit for 41 days at the same place and same duration of chant, aap usse siddh kar lenge. How do you come to know that Bij Mantras are siddh? Suddenly whatever you will think will happen, whatever you will say will happen. You will get glimpses. It's amazing. I have tried it. I have done it in my childhood. I have started doing it since last year again. And Bij Mantras are very powerful. It will scare you also. You will start getting different dreams, dark dreams. You will wake up. Yes, another sign that Bij Mantras are working on you is that you will wake up between 3 to 5. Brahm Muhurt mein aapki neend khulni shuru ho jayegi aur aapko samajh mein aa jayega ki Bij Mantra aapke andar aapki aura mein samahit hote ja rahe hain. So tap the treasure within, tap the universe within and become a stronger aura, become a meaningful human being. Jitna meaningful nature hai, jaise people, bargad, फल फ्रूट और जितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको दे रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, पानी दे रही है, हवा, उसी तरीके से आप भी मीनिंगफुल बन सकते हैं. ओनली इफ़ यू डिस्कवर और टैप द यूनिवर्स विद इन. आई एम मेकिंग दिस एपिसोड फॉर टू थ्री थिंग्स दैट आई हैव डिस्कवर्ड अ लॉट इन मी, दैट व्हाट इज़ माय पर्पस, दैट इज़ व्हाई मैं कभी विचलित नहीं होता है. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट सर यू डोंट एज, आप 10 साल पहले भी सेम दिखते थे, अभी भी सेम दिखते हैं, बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड द टाइम टिक इन माई हेड. मैंने समय की धारा, समय को, चक्र को रोक कर रखा है. जब तक मैं अपने काम पूरे नहीं कर लूंगा मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा. आई विल रिमेन यंग. सो यू कैन ऑल्सो डू इट. अर्थ का टाइम अलग है, मार्स का टाइम अलग है, सेटर्न का टाइम अलग है. आपने वो एक फिल्म इंसेप्शन इंटरस्टेलर देखी होगी. इंटरस्टेलर में इस टाइम को बताया भी गया कि उनके लिए 2 घंटे की जर्नी, यहाँ 67 ईयर्स पास हो जाते हैं. सो यू हैव टू कैच दैट टाइम जोन, यू हैव टू स्टॉप दैट टाइम. समय चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, सुदर्शन चक्र पे मैं बहुत जल्दी एक एपिसोड बनाने वाला हूँ. सो टैप द यूनिवर्स विद इन, अंडरस्टैंड वॉट इज योर पर्पस, डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ श्लोक मंत्र एंड बीज मंत्र एंड डू इट. डू दीज चांट्स ऑन अ फिक्स डे, स्टार्ट ऑन अ फिक्स डे, सिट एट अ फिक्स प्लेस फॉर 41 डेज कंटिन्यूसली. इफ यू डू इट आपको ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाएंगे. इनका दुरुपयोग मत करना क्योंकि आपकी जबान पर सच आ जाएगा. जो मेरे फादर बचपन से बोलते थे, आई थिंक मैं मन्नत मांगा हुआ बेटा हूँ तो इसलिए मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं जो ऊपर भगवान ने दिए हैं. मुझे याद है बच्चन साहब मुझे बोला करते थे, तू डिफेक्टेड पीस है, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू कम अप विद, भूत और बच्चा भूत से डरता नहीं है, पर श्राद्ध, पर ये मुक्ति. यस, बिकॉज आई हैव डिस्कवर्ड द यूनिवर्स विद इन एंड दैट इज वाई आई कम अप विद डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स. माय कनेक्ट विद स्पिरिचुअल एंड आध्यात्म, ये दोनों अलग चीज़ें, अध्यात्म अलग है, स्पिरिचुअलिज्म अलग है, मेरा उन दोनों से बहुत अच्छा कनेक्ट है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट टैपिंग दैट यूनिवर्स विद इन एंड बिकम अ मीनिंगफुल ह्यूमन बीइंग लाइक नेचर. जय श्री राम.